दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना है, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ये उन दिनों की बात है सीजन 2 के बारे में। जी हां दोस्तों, ये उन दिनों की बात है सीजन 2 रिलीज डेट अपडेट्स एंड लेटेस्ट न्यूज, इसके बारे में करने वाले है बात। क्या लेटेस्ट न्यूज है, क्या अपडेट्स निकल के आ रही है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक प्यारा सा लाइक, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। देखो कल मैं तो निकल रहा हूँ अपने पुराने यानी जो पुराने स्टूडियो में, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ उधर के घर पे, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे जाने से पहले ही 200,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाए। तो कुछ 2,000 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो जिसने नहीं करके रखा है ना, तो सबके सब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहे करने के लिए। सो गाइज, मेरा नाम है तंजीर खान और आप देख रहे हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो बात करें दोस्तों, ये इन दोनों की बात है सीजन 2 के बारे में। तो अब बचा ही क्या है, सारी चीजें तो हो रही है और सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, जो कि बहुत कमाल की बात है। यहाँ पे हमें क्या नजर आने वाला है सीजन 2, क्या अपडेट्स है, क्या लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है सीजन 2 की। तो खबर यहाँ पे यह है कि नैना और समीर यानी रणदीप राय आशीष सिंह आप सभी को फिर से नजर आएंगे। आप सभी ने देख ही लिया होगा कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ, कैसे ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, वो भी #5years। और ये इतना ज़्यादा ट्रेंड हुआ कि यहाँ पे रणदीप राय और आशीष सिंह अपने आप को रोक ही नहीं पाए इसे बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें हुई है, ताकि फैंस को भी पता चले, फैंस भी खुश हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रणदीप राय आशीष सिंह ने अपने इंस्टा पे डाली थी और सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कमाल की लगी और बहुत मज़ा आया ये सारी चीज़ें देखने में। और खबर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो डिमांड चली है इसको मेकर्स पूरा करने वाले हैं, क्योंकि इसी साल में ही शुरू हो जाने वाला है ये इन दिनों के बाद सीजन 2। जी हाँ दोस्तों, इसी साल में शुरू होने वाला है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से 2 महीने में शुरू हो जाएगा। देखते हैं कब तक शुरू होता है, कब तक ये खुशखबरी हमें देखने मिलती है।